हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास टेंथ की मैथ की बुक से जो प्रश्नावली 9.1 है, यानी कि एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड उसके आगे क्वेश्चन है उनको हम लोग करेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 3 तक, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख भी लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो या हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, दोनों बच्चों के लिए ये उपयोगी होगी। तो इस वीडियो को अपने सब दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक अगर नहीं किया अभी तक तो अभी लाइक कर दो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन ये कहता है, फोर्थ क्वेश्चन, के जो ग्राउंड है, ठीक है, यानी कि जमीन है, भूमि, इसके किसी एक पॉइंट से, फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से जमीन पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जो टॉप ऑफ टावर का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ टावर का मतलब हो गया यानी कि जो टावर है, मीनार है, ठीक है, इसकी जो शिखर है, ठीक है, यानी कि कोई जमीन पर एक पॉइंट है उससे जो टॉप ऑफ टावर है, मीनार की शिखर है, इसका उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ग्राउंड पर वो कहाँ है, तो विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो 30 मीटर दूर है फुट ऑफ द टावर से। फुट ऑफ द टावर का मतलब हिंदी में होता था कि मीनार की पाद बिंदु, यानी कि जो उसका पैर है। जैसे सपोज दैट ये आपका मीनार है, यहाँ आपका मीनार हो गया, ये टॉप हो गया और ये फुट हो गया, पैर हो गया, इसका पाद बिंदु हो गया, ठीक है। तो ये टॉप और ये, तो यहाँ से जो पॉइंट है वो कितनी दूर है, 30 मीटर दूर है टावर से। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम, इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। तो कह रहा है कि जो टावर है उसके फुट से, जैसे मान लो कि ये आपका टावर हो गया, ठीक है, ये एक टावर मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इस टावर के ये पैर से, फुट से, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर वो पॉइंट है, ये पॉइंट है, मान लो यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है, कितनी है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और इसके शिखर यानी कि टॉप ऑफ द टावर का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहां से ये, ठीक है, ये कितना है, ये है 30 डिग्री। तो अब क्वेश्चन कहता है मीनार की ऊंचाई ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मानते हैं बी और इस पॉइंट को मानते हैं सी। आप फिगर इधर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों देखो, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको थीटा तो पता है और थीटा के सामने है ए बी और थीटा से जुड़ा हुआ है, यानी कि एंगल से जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट है 30 मीटर, यानी कि बी सी। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए बी। तो ए बी मतलब थीटा के सामने है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया। तो पी और बी, हमें पी बी का रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो पी बी का रिलेशन क्या होता है, लंब और आधार का रिलेशन क्या होता है, वो होता है टेन थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में, क्योंकि हमें ये निकालना है, हाइट निकालना है ना, तो हाइट और बेस, यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, बेस पर और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है वो होता है क्या, होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब क्या है आपके पास, ए बी, और आधार यानी कि जो बेस है वो कितना है 30, तो 30 लिख देंगे। अब टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आप टेबल में आपको पता है कि टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई 30। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 30 × 30, यानी कि ये हो जाएगा आपका √3 और ए बी मल्टीप्लाई होगा, और इधर 30 और 1 मल्टीप्लाई, मतलब 30 हो जाएगा।
तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 30/√3। अब इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं अगर आपको आता है तो, नहीं अगर आता है तो इसको इस तरीके से लिखिए, चूंकि रूट तीन है ना तो इसको हम तीन से भाग लगा देंगे, रूट तीन है तो तीन से, दो रहता है तो दो से भाग लगाते, रूट तीन है तो तीन से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 10, तो 10 × 3 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 30 को 10 × 3 और नीचे में आ जाएगा √3। अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 आ जाता है, इसका मतलब कि 3 में जब √3 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा √3, तो ये आपका 10√3 हो जाएगा मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पतंग है वो 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर उड़ रही है। ठीक है, एक पतंग, ठीक है, जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है एक पतंग। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरेरली टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि जो धागा है पतंग जिसमें बंधी हुई है, उस धागे को यानी कि डोरी को अटैच किया गया है, जोड़ दिया गया है, कहां से बांध दिया गया है, कहां से बांध दिया गया है, तो एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, वहां पर उसको बांध दिया गया है। ठीक है, अभी आपको मैं फिगर बना के दिखाऊंगा। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो कह रहा है कि जो इंक्लिनेशन है मतलब कि जो झुकाव है डोरी का ग्राउंड के साथ, जमीन के साथ, वो 60 डिग्री है। अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, डोरी की आपको लंबाई निकालनी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, या मानकर कि डोरी में कहीं पर कोई ढील नहीं है, डोरी एकदम तनी हुई है, कहीं पर कोई ढील नहीं है। ठीक है, डोरी की आपको लंबाई निकालना है, स्ट्रिंग की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं फिगर बना के समझाता हूँ। मानो कि यहाँ पर एक पतंग है, ठीक है, ये मान लो एक पतंग है, ठीक है, और इस पतंग की जो डोर है मान लो यहाँ से बंधी हुई है, ठीक है, ये यहाँ से बंधी हुई है, ये यहाँ से हमने क्या किया, सपोज दैट ये जमीन है, ठीक है, ये आपके जमीन हो गई, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स किया और इस डोरी को जो इसकी पतंग की जो उड़ रही थी उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये पतंग कहाँ उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब यहां से अगर हम ग्राउंड पर एक लाइन खींचते हैं सीधा सीधी, तो ये ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। तो पतंग आपकी जो ये पतंग है ये उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर, और इसको जो इसमें ये डोरी बंधी हुई है, इस डोरी को हमने क्या किया, जमीन पर यहाँ पर बांध दिया है। ठीक है, और ये जो झुकाव है मतलब डोरी का जमीन के साथ जो झुकाव है, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि डोरी की लंबाई निकालो, और ये भी कह रहा है कि डोरी में कोई स्लैक नहीं है, कोई ढील नहीं है, है ना, डोरी एकदम, डोरी जो है वो एकदम स्ट्रिंग, वो एकदम तनी हुई है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, डोरी की लंबाई निकालना, मतलब इसको निकालना है। अब इसको नाम दे देते हैं हम, जैसे कि यहां पर हम देते हैं ए बी सी दे देते हैं। ठीक है, और ये आपको निकालना है ए सी की लंबाई। ए सी क्या है, तो ये देखो ये तो आपका कर्ण है, हाइपोटेन्यूज, ये तो पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है, सबसे लंबी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसको हम लोग को निकालना है, यानी कि एच हमको निकालना है। प्लस हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर, मतलब थीटा के सामने दिया हुआ है ना, मतलब परपेंडिकुलर पता है, तो हम देखते हैं कि पी और एच से संबंधित कौन सा रेशियो है। तो आपके पास दो है ना, कॉसेक और साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, पी बाई एच होता है, तो पी यहां पर ए बी है, तो ए बी हमें तो पता है 60, आप चाहे लिख सकते हो यहां पर ए बी बटा ए सी, तो ए बी कितना है 60 और ए सी कितना है नहीं पता है, तो ए सी लिख देंगे। अब बच्चों देखो यहां पर क्या हो जाएगा कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, आप टेबल में देखोगे तो आपको साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। ठीक है, और 60/AC हो जाएगा। अब √3 AC से मल्टीप्लाई होगा, √3 × AC हो जाएगा, और 2 को 60 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहां से AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 60/√3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना, मैंने आपको बोला है कि जब भी यहां पर इस तरह रूट वाला आएगा तो इसको कोई एक नंबर को आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड लगा देना है, तो इसको 3 से डिवाइड लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा,
इसको लगाएं तो 20 गुने 3 मतलब 60 को हम लिख सकते हैं 20 गुने 3, नीचे में आ जाएगा रूट अंडर 3। अब रूट अंडर 3 से ये कट जाएगा रूट अंडर 3, है ना, 3 में जब डिवाइड लगाएंगे रूट 3 से रूट 3 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 20 गुनी 40 और रूट 3, तो ये हो जाएगा 40 रूट अंडर 3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें पतंग की हाइट निकालनी थी, सॉरी डोरी की लंबाई निकालनी थी, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, कह रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय मतलब एक लंबा लड़का है, कितना 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, वो खड़ा हुआ है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, एट सम डिस्टेंस लिखा हुआ है मतलब कुछ दूरी पर, कोई बिल्डिंग है उसे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का लड़का जो 1.5 मीटर लंबा है वो खड़ा हुआ है, और बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि उन्नयन कोण है, फ्रॉम हिज आईज मतलब उसकी आंख से जो उन्नयन कोण है, किसका उन्नयन कोण, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के भवन के शिखर से जो उसका उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, इंक्रीजेस फ्रॉम बढ़ता है 30 degree to 60 degree मतलब 30 degree से 60 degree एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी कि 30 degree उन्नयन कोण से 60 degree उन्नयन कोण बन जाता है, ठीक है, लेकिन कब, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है या चलता है, ठीक है, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जाता है चलकर जाता है तो क्या होता है उसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 से 60 हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो ये पता करो कि वो कितना जो डिस्टेंस वॉक किया बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं, इसका फिगर बना के समझाता हूं। सबसे पहले चीज देखो बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितनी कितनी ऊंची बिल्डिंग है, तो वो है 30 मीटर, तो यहां पर हम 30 मीटर की एक बिल्डिंग बना देते हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग को इंडिकेट कर रहा है, और ये हो गई जमीन, ठीक है, ये जमीन हो गई। वो लड़का जो है यहां पर खड़ा हुआ है, मान लो 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर लंबा है, अब इसको यहां पर लिखी दो कि ये जो है ये 1.5 मीटर 1.5 मीटर है, ठीक है, और ये लड़का जब बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब क्या होता है, ये उन्नयन कोण, ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या कि इसका उन्नयन कोण मतलब क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया इसका, तो ये जो आपका ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये कुछ दूर आगे जाता है, मान लो कि यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर आ गया, तो अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये लड़का मान लो चल के यहां पर आ गया, तो अब अगर ऊपर देखता है, मतलब यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 60 डिग्री बनती है, ठीक है, पहले 30 डिग्री थी अब वो 60, ये डिस्टेंस कितनी है नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि यहां से ये यहां गया और ये इसकी जो ये बिल्डिंग है ये यहां पर खड़ी हुई है, ठीक है। तो अब बच्चों ये कैसे निकालेंगे, तो देखो हम पहले तो इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहां पर है आपका ए और आप मान लीजिए बी, है ना, उसके लिए मान लीजिए यहां पर सी, इधर मान लीजिए डी, इधर मान लीजिए ई, ये एफ, ये जी, कुछ भी रख सकते हैं आप, ए बी सी डी, कुछ भी आप अपने मन से LMNPQ कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना तो है कि जब ये 90 डिग्री बेस पर यानी कि ग्राउंड पर बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, जमीन के जब पैरेलल आएगा तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, मतलब ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आते हैं यहां पर, हम लोग देखते हैं कि अगर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है GF, हमें निकालना है GF यानी कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए अगर हमें GF निकालना होगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले चीज तो ये देखो कि हमें ये यहां से ये पूरा जाइए, ये यहां से ये पूरा यहां तक नीचे तक ये 30 मीटर है। सबसे पहले तो हमें D और C की वैल्यू निकालनी है, तो D C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए D C की वैल्यू निकालेंगे ऐसे के DC बराबर क्या हो जाएगा DE
मतलब पूरी लंबाई माइनस, अब ये जो इधर डेर है तो इधर भी डेर ही होगा, तो डीसी डीई माइनस एजी, एजी के बराबर सी है मतलब सीई, ठीक है ये हो गया। और हमें पता है कि सीई जो है वो डेर है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तीस माइनस 1.5 मीटर, मतलब ये आ जाएगा 28.5 मीटर। अब इसको आप बट्टे में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, फ्रैक्शन बना सकते हो। अब बात आती है कि ये तो हमें पता चल गया है, तो अब हम ए डी सी या डी सी ए लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए सी, ठीक है, इन ट्रायंगल डी ए सी क्या हो जाएगा डी ए सी में, तो ये जो लंबाई है ये हमें तो पता है, ये ऊंचाई है ना, यहाँ तो हमने निकाल लिया डीसी, ये हमें नहीं पता है एसी, और हमें एंगल पता है, तो एंगल के सामने हो गया डीसी, यानी कि लंब ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और एंगल से सटा हुआ जो एसी है वो इसका बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है टेन होता है, तो इसका मतलब कि हमें टेन 30 डिग्री निकालना पड़ेगा। अब टेन 30 डिग्री निकालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, मतलब सी डी या फिर आप डीसी लिखिए बाई एसी, तो डीसी कितना है, तो डीसी अभी हमने निकाला है 28.5, ठीक है 28.5 बटा एसी कितना है, तो एसी आपको तो पता नहीं, तो एसी लिख लीजिए। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या, टेन थर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू क्या होती है टेन थर्टी की, वो होती है 1/√3, और इधर क्या हो जाएगा 28.5 बटा एसी, तो यहां से बच्चों एसी को 1 से गुना करेंगे तो एसी आ जाएगा, और ये बन जाएगा 28.5√3, ये एसी निकल गया, मतलब ये यहां से यहां डिस्टेंस पता चल गई है। अब हम लोग डी सी बी में देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग डी सी बी में देखते हैं, तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल डी सी बी, यहां भी देखो ध्यान से फिगर को, तो यहां फिगर को अगर देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि हमें डीसी तो पता है, हमें बीसी नहीं पता है, तो हम बीसी निकालेंगे, ये पता है यानी कि थीटा के आगे, थीटा के सामने जो लंब होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर हमें पता है बेस नहीं पता है, तो पी और बी का रेशियो क्या होता है टेन थर्टी टेन थीटा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब ए सी और बेस मतलब बी सी, बी सी तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.5, और बी सी की वैल्यू कितनी होगी नहीं मालूम है, तो बी सी लिख देंगे, टेन 60 की वैल्यू क्या होता है √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो तो √3 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 28.5 बटा बीसी, बीसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बीसी इंटू √3 बराबर 28.5, तो यहां से जो आपकी वैल्यू है बीसी की वो निकल जाएगी 28.5 बाई √3, ये हो गई, और ये आपका क्या हो गया मीटर में हो गया। आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो कि पॉइंट में इसको चेंज करके, वैसे अगर चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो ये बीसी निकल गया। अब बीसी हमें पता चल गया, एसी पता चल गया है, तो अब हमें क्या करना होगा, घटाना होगा, क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये वाली लंबाई जी एफ निकालना है, तो देखो एसी बराबर क्या, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा एसी माइनस ए बी, एसी माइनस बी सी, सॉरी एसी माइनस बी सी, यहाँ ए है यहाँ सी, तो एसी में से बी सी घटा देंगे तो हमें ए बी निकल जाएगा, क्योंकि हमें ए बी ही निकालना है, तो देखो एसी कितना है, एसी आपके पास है 28.5√3, और बी सी कितना है, तो बी सी आपके पास है 28.5/√3, तो √3 गुना होगा तो कितना होगा 3 होगा, यानी कि 28.5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 85.5 हो जाएगा, माइनस 28.5 बाई √3, तो ये कितना हो जाएगा 7 में से हो गया 5, और यानी कि ये हो गया 0, 57 हो गया, 57/√3, तो अब इसको फिर हम वैसे करेंगे 19 × 3, ठीक है, और बटा √3, √3 कट जाएगा ये, तो √3 आ गया, मतलब 19√3 आ गया, ये हो गई ए बी की लंबाई, यानी कि जो ए और बी है ना पहला पॉइंट, और वो जो आगे बढ़ गया था यहाँ पर, तो ये बी आ गया, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी ए बी निकल गई, और ए बी और जी एफ बराबर है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर जी एफ बराबर ए बी, इसलिए जी एफ जो होगा वो हो जाएगा 19√3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो बच्चों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और जो आगे क्वेश्चन होंगे इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है।
चूंकि वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, इस वजह से लंबी हो जा रही है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को अगर लाइक करना भूल गए तो लाइक कर देना सबसे पहला काम, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अभी के अभी शेयर कर दीजिए ताकि और भी दोस्तों का फायदा हो जाए। ठीक है, और अगर आपको कोई और डाउट या कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।